हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वादिष्ट किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं जलेबी। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी। एक कप मैदा, दो कप चीनी, एक चौथाई कप दही, एक चौथाई कप चावल का आटा, पांच से छह पिस्ता बारीक कटे हुए, थोड़ा सा केसर, एक चुटकी बेकिंग सोडा, दो चुटकी येलो फूड कलर लिया है और तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। दो कप चीनी लेंगे और एक कप पानी। अब इसे मीडियम गैस के ऊपर पकाएंगे। ये चाशनी रेडी हो गई है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने आधी तार की चाशनी कर ली है। चाशनी हम ठंडी होने के लिए रख देंगे। इसमें हम केसर डालेंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। एक कप मैदा, 1/4 कप चावल का आटा, 1/4 कप दही, 1/4 कप दही अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पतला घोल बनाएंगे। घोल बन चुका है इस तरह से। हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे 2 चुटकी और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी मिक्स कर लेंगे कलर में, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये आटा हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे हम एक पाइपिंग बैग लेंगे और ये हमने जलेबी का बैटर जो बनाया है ये इसमें डालेंगे। हमने एक पैन में तेल गरम करने रखा है स्लो गैस के ऊपर। अब ये जलेबी का बैटर हमने भरा था पाइपिंग बैग में, उसका आगे का हिस्सा काट देंगे और अब हम इसकी जलेबी निकालेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। और दूसरी साइड से पकने देंगे। जलेबी हमारी तैयार हो गई है।
अब हम इसमें चाशनी में डालेंगे इसे। जलेबी को हमने एक मिनट चाशनी में रखा था, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी की भी जलेबी बना लेंगे। सारी जलेबी हमने रेडी कर ली है, अब हम इसे पिस्ता से गार्निश करेंगे। रेडी है जलेबी।